लोग खड़े हैं डिकाला कैंपस पे, और ये देखिए यहाँ का व्यू। यहाँ देखिए जो सूखी घास है उसको आग लगाई हुई है। नहीं भाई, आपको भी कितना टाइम हो गया ये जो इस लाइन में जो है? मेरी तो पैदाइश तो जिनको डिकाला की है, डिकाला की है। और पार्क में गांव होते हैं जो है, गुज्जर लोग रहते हैं जो है, ऐसे यहाँ भी था कभी डिकाला में भी? हाँ, बहुत टाइम पहले खेती बाड़ी कुछ ये भी कुछ होती थी यहाँ पे। काफी टाइम पहले यहाँ पे एक गोजड़ा होते थे वहाँ पे। नहीं, मैंने सुना यहाँ स्कूल भी था कभी पहले। देखें जो स्टाफ के यहाँ जो क्वार्टर्स थे ना, अच्छा, यहाँ समथिंग 15 एलिफेंट थे जो एलिफेंट राइड कराते थे। अच्छा, पहले एलिफेंट राइड होती थी। 2017 से पहले जो अभी हम टाइगर का मूवमेंट देख रहे हैं वो उतना एक्चुअल में होता नहीं। ये भी रियल सीन है ना। भाई ये जो साइटिंग है ना बहुत जबरदस्त है। इधर ही बैठेगा, इधर ही बैठेगा। आ गया, मेरी तरफ ही आ गया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतर हो गया। अभी क्या है, टाइम बहुत कम है, अभी 10 मिनट रह गए। बाय बाय। हैं अच्छे वाला ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि ब्रेकफास्ट करेंगे हैवी, बिकॉज अभी 11 बज गए हैं और लंच शुरू होता है 1 से 2, और 11 के 1 के बीच में 2 घंटे का टाइम है, दोबारा भूख नहीं लगेगी। इसलिए फिर हम इवनिंग सफारी करके रात को बढ़िया वाला डिनर करते हैं, ऐसा चल रहा है हमारा यहाँ पे। सर आज की मेन्यू देखते हैं क्या है। ऑमलेट तो कंपलसरी है यहाँ पे, ठीक है। आज आलू के पराठे हैं, ये उपमा है, उपमा उपमा। ये क्या है? दलिया। क्या बात है। और यहाँ पे कर्ड हो गई, अचार है। चलो बढ़िया, चाय तो आपको वहीं टेबल पे मिल जाएगी। बहुत बढ़िया। लो सर, अभी जी आपका ब्रेकफास्ट ऑमलेट गर्मा गर्म तैयार हो गया है। ब्रेकफास्ट आ गया, ये होगा उपमा, ये कर्ड, ये अचार, और ये ब्रेड बटर टॉफ, ठीक है। और ये देखिए आलू के परांठे, पूरा मक्खन वाले जो हैं, और गर्म गर्म चाय। बहुत बढ़िया यार, जो है नाश्ता ज़रूर करें यहाँ पे जो है। एक बार अच्छा वाला नाश्ता हो जाए फिर शाम तक छुट्टी है भाई, क्योंकि 2 घंटे में किसी को भूख लगती नहीं। बढ़िया ब्रेकफास्ट हो गया। इन्होंने बाहर रखा है बैठने के लिए, पर आप बाहर बैठ नहीं सकते। ओह माय गॉड, भैया देखो आग लगा दी इन्होंने, दिख रहा है आपको धुआं सामने। हाँ कह रहे थे ना अभी बहुत बड़े बड़े हो गए इनको, ये जब जहाँ आग लग गई जानवर भाग जाता है वहाँ से, दूर दूर तक ये चीज़ इनको दिख जाएगी, सब भाग जाएंगे यहाँ से। वो खड़े हैं डिकाला कैंपस पे, और ये देखिए यहाँ का व्यू। यहाँ देखिए जो सूखी घास है उसको आग लगाई हुई है। ये देखिए सूखी घास को जलाया जा रहा है। आ गए हैं एक बार फिर से वर्ल्ड फेमस डिकाला जोन के वुड डेक पे। आज फिर एलिफेंट सामने ग्रासलैंड में दिख रहे हैं। ट्रैवलिंग मास्टर सुनील फोटोज क्लिक करते हुए। भाई सफारी से पहले 2-3 बोतल पानी की जरूर लेके जाएं, और ये बोतल वापस लेके भी आएं, पानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी इस बार तो बहुत जल्दी गर्मी आ गई है, बहुत गर्मी है जो है। और देखिए हमारी सफारी अभी शुरू होने में खाली 10 मिनट रह गए हैं। हाँ चलते हैं, अपना लक फिर से ट्राई करते हैं। टाइगर की बहुत अच्छी मूवमेंट है सुबह, कई लोगों को 3-3 बार साइटिंग हुई है जो है अलग अलग, हमें कितनी बार साइटिंग होती देखते हैं। आपने मेरी जिम कॉर्बेट की सभी वीडियो देखी होंगी, शायद नहीं देखी तो आप देखिए, मैंने जिम कॉर्बेट के सभी जोन, लगभग सभी जोन मैंने कवर कर लिए हैं, डिकाला से लेके गैरल से लेके बिजरानी, जिरना, सीताबनी जोन, दुर्गा देवी जोन, लोहा चोड़ भी हो गया, उसके बाद ये हल्दी पड़ाव भी हो गया जो है, एक फाटो रह गया है, फाटो वहाँ वहाँ जरूर जाऊँगा, क्योंकि फाटो में एक ट्री हाउस बना है,
तो वो जरूर कवर करूंगा, क्योंकि वो जो वहाँ रहने का जो नज़ारा मजा आएगा अनुभव वो भी लेना है मेरे को जो है। अब फाटो रह गया है, फाटो बहुत जल्दी जाएंगे। अच्छा एक और कांडा भी है, कांडा भी जरूर जाऊंगा। पहाड़ है सॉरी हल्दी पड़ाव भी होगा जो इस तरफ है। अभी जिम कॉर्बेट का टूर मेरा कंप्लीट होने वाला है, इसके बाद फिर नेक्स्ट ट्रिप जो है मेरा वो रणथंभौर का है, रणथंभौर कवर करेंगे। उसके आगे फिर जो हमारी ऑडियंस जो हमें कहेगी, व्यूवर जो हैं कि यहाँ का कहाँ कवर करें, तो मैं आपसे पूछूंगा, मुझे सजेस्ट करना वहाँ का प्रोग्राम बनाएंगे। अभी तो क्या है, कंटिन्यू ब्लॉग चलते ही रहेंगे जो है अपने। क्या आपको बताया मैंने, 5 साल में मैंने इंडिया के सभी फॉरेस्ट कवर करने हैं, रेस्ट हाउस जितने भी हैं कवर करने हैं। वो बारिशों में क्या है, साउथ कवर करने की प्लानिंग कर रहा हूँ। शायद साउथ बारिशों में बंद नहीं होता वहाँ पे, क्योंकि ये अपना इस तरफ नॉर्थ तरफ पूरा बंद हो जाता है 15 जून से लेकर 15 नवंबर तक जो है। तो वहाँ शायद मैंने सुना है कि वहाँ खुला रहता है, तो वहाँ ट्राई करेंगे। अभी चलते हैं सफारी पे। और फिर से हमारी 5वीं सफारी फिरोज भाई के साथ जो है शुरू कर रहे हैं। अभी जो स्ट्रैटेजी है बनाते हैं गाड़ी अंदर बैठ के। फिरोज भाई चलो तैयारी करते हैं, चलो अभिषेक भाई चलते हैं और नहीम भाई को और अपना शागनी को आगे लेते हैं। 2 मिनट रह गए हैं, निकलो यहाँ से फटाफट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 अभी झंडी देंगे हरी वहाँ पे। चलो ये देखो, ये माहौल देखिए कितना शानदार है। बार बार मैं दिखा रहा हूँ, बहुत मज़ा आता है। सबको टाइगर देखना है भाई, टाइगर। एंड वेलकम नहीं भाई, वेलकम एक बार फिर से। हमारी 5वीं सफारी शुरू। सामने का माहौल देखिए, चिड़ियाँ ताबड़तोड़ भाग रही हैं जो है। टाइगर साइटिंग, कैंटर भी आ गया, वो देखिए कैंटर भी चल रही है। सीधा भाग गया वो, उसको क्या मिट्टी उड़ानी है सबके ऊपर। अभी अभी फिर मोटा साल, हाँ ग्रासलैंड पहले मोटा साल। ठंडी सड़क हो गई भाई, ये मास्क पहनना बहुत जरूरी है, यहाँ पे हालत खराब हो जाती है। बहुत अच्छा मेकअप होता है यहाँ पे, आ रहे हो तो जरूर लेके आना, अमेजोन पे मिल जाएगा बहुत इजीली। ठीक है, ये पहनना बहुत जरूरी है, ये आपको एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जहाँ पे हमारी साइडिंग हुई थी मोटा साल के पास, सभी गाड़ियाँ वहीं पी गई हैं। लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ मोटा साल जो पेड़ है उसके अंदर। तो यहाँ पे कैंटर भी आती है, तो कैंटर सीधा नहीं कभी क्या होगा ना, ये नहीं यहीं से मोड़ा होगा। मॉर्निंग राइड में हमें टाइगर यहीं पे दिखा रहा सुबह जो है। फिर से आ गए हैं ठंडी सड़क, क्योंकि हर जगह आज बहुत गर्मी है, यहाँ ठंडक है, तो एनिमल्स भी यहाँ आना पसंद करेंगे। वो देखो सामने टफकर जा रहे हैं, ये एक बार फिर से सांबर रोड जा रहे हैं चेक करने के लिए। ये मैंने हर वीडियो में दिखाई है मचान, इसको देख के पता लग गया होगा सांबर रोड आ गई है। ये पानी इसमें 12 महीने रहते गए, हाँ ये 12 महीने ऐसे ही रहता है। मानसून टाइम में इस रिवर का पानी यहाँ तक आया था, ऊपर तक आया था, यहाँ पे हम लोग रोड चल रहे हैं रोड पे। अच्छा कीचड़ होती थी, उसको नए तरीके से बनाया गया पत्थर करके। इतना पानी होता है, पानी होता है पूरा पूरा भर दोनों फिरे पानी पानी। ठंडा इलाका होगा, टाइगर एक ऐसा एनिमल से है जो विंटर में भी 2-3 दिन घंटे तक पानी में बैठना पसंद करता है। टाइगर विंटर में भी दो दोपहर को नहीं, नहीं विंटर में धूप में हो, बारिश या बारिश होती हो,
ऐसा नहीं है क्योंकि नॉनवेज खाता है वो कच्चा मांस का। अच्छा, हीट पावर कम करने के लिए जो जो गर्मी है जो है वाटर होल है। जैसे हम पार बोलते हैं और उसका नाम क्या है वहाँ पे पार का? रिंग घोड़ा लास्ट में जाके जो है हम गए हैं, पूरा हमने पूरा कवर कर लिया। वो तो बहुत मजा आया था वहाँ जाके। राम सिंह नाम भी कर रहा हूँ नाम यार। अच्छा अच्छा ये लिखा हुआ है ये गेट हियर फ्लाई चो 6 किलोमीटर। यस ये पार वाला ब्रिज बहुत मेन अट्रैक्शन है यहाँ का, बहुत अच्छा लगता है जब भी यहाँ पे आओ, उसकी बहुत अच्छी वीडियो बनती है। रामगंगा रिवर का बहुत बढ़िया आता है। बार बार यहीं पे फिल्म कर दिया, यहीं बैठ दिया आराम से पानी में। सही बात है। हाँ यहाँ देख रहा अपने कल जो है मॉर्निंग वाला टाइगर। हाँ नहीं भाई, आपको भी कितना टाइम हो गया ये जो इस लाइन में जो है? मेरी तो पैदाइश तो जिनको निकाला की है। निकाला की है? हाँ, और मेरी जो मैंने वाइल्ड लाइफ 99 में ज्वाइन की थी। अच्छा। एज ए नेचुरलिस्ट गाइड, मैं नेचर गाइड बन के 2001 में मैं यहाँ पर निकाला में आ चुका था। अच्छा। यस, मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा शौक था। हाँ, वाइल्ड लाइफ में इसमें इंटरेस्ट थी। ठीक। जब कब पीसीस में वैकेंसी निकले नेचर गाइड की और कब मैं इस कम्पटिशन में बैठी। हाँ जी, सन 2000 में इसकी वैकेंसी निकली। अच्छा। उसमें कंपटीशन में बैठा, मैंने पास किया इसको। पास करने के बाद क्या मेरा मार्क्स अच्छा है, मुझे ट्रेनिंग की, मैंने सेम आर्मी का ट्रेनिंग होती है। अच्छा। और जैसा टीचर्स लोग आते हैं पढ़ाने के लिए, ट्रेकिंग वगैरह कराई जाती है, क्लासेस रखती हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ट्रेनिंग सेंटर कालागढ़ में है। ठीक है। उसको ट्रेनिंग करने के बाद में तब हम लोग को एक सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है। और सर्टिफिकेट मिलने के बाद में हम नेचर गाइड बन जाते हैं। एक रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलता हम लोगों को। ठीक है। वो हर साल हम लोगों को रिन्यूअल कराना पड़ता है। और तब से आप कह रहे हो कि मैं आपके पैदाइश निकाला की है, तो कुछ निकाला की जानकारी दीजिए पुरानी जो है, बहुत पुरानी, के पहले जो ये हेली नेशनल पार्क था उससे पहले क्या था? 8 अगस्त 1936 में इस पार्क की स्थापना हुई थी। उससे पहले यहाँ पे विलेज वगैरह गांव। अच्छा, गांव थे यहाँ पे? हाँ, गांव होते थे यहाँ पे। और उसमें 8 अगस्त 1936 में जब पार्क की स्थापना हुई तो उस टाइम इस पार्क का नाम हेली नेशनल पार्क रखा गया था। ठीक है। और पार्क में गांव होते हैं जो है, गुज्जर लोग रहते हैं जो है, ऐसे यहाँ भी था कभी निकालने में भी? हाँ, बहुत टाइम पहले खेती बाड़ी कुछ ये भी कुछ होती थी यहाँ पे। काफी टाइम पहले यहाँ पे एक गोझड़ा होते थे वहाँ पे, गोझड़ा पॉइंट। काफी टाइम, कौन सी ईयर में जो है ये तो मेरा थोड़ा सा अभी ये 1920 कब हटाया गया था? 2000 नहीं, उनको जो बाहर किया गया, हाँ 2004 में है। जैसे फिरोज भाई कहते हैं मेरी भी पैदाइश यहीं की निकाला की। मम्मी बोर्न हुए आपके निकाला में? मेरे मम्मी निकाला बोर्न हुए। अच्छा अच्छा। मेरे फादर का जब उनसे निकाह हुआ था तो बारात लेके वो निकाला आए थे। क्या बात है। मेरे नाना गवर्नमेंट सर्वेंट थे तो वो निकाला में पोस्टेड थे। अच्छा, अभी भी आपकी मम्मी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ना निकाला में? हां, मेरी मम्मी है, वो रामनगर ऑफिस में है। सही है। मेरा बोर्न यहां का नहीं है, बट मैं खेला कूदा हूं यहां, जो स्कूल टाइम में छुट्टियां होती थी स्कूल की। हां जी हां जी हां जी। उस टाइम पे मैं आके खूब घूमा हूं यहां पे।
तो कुछ थोड़ी ऐसी बात बताइए हमें जो है यहाँ के बारे में निकाला के। बहुत सुंदर जगह है सबसे पहले। नहीं, मैंने सुना यहाँ स्कूल भी था कभी पहले। देखें जो स्टाफ के यहाँ जो क्वार्टर्स थे ना, अच्छा, यहाँ समथिंग 15 एलिफेंट थे जो एलिफेंट राइड कराते थे। अच्छा, पहले एलिफेंट राइड होती थी। 2017 से पहले जो अभी हम टाइगर का मूवमेंट देख रहे हैं वो उतना एक्चुअल में होता नहीं था। हाँ जी, बहुत कम मूवमेंट हुआ करता था टाइगर का उस टाइम पे, एलिफेंट राइड हुआ करती थी। अच्छा, पहले 15 खाती यहाँ पे थे जो एलिफेंट राइड होती थी, प्लस लोग अपनी प्राइवेट व्हीकल से आना जाना करते थे यहाँ पर ना। अच्छा अच्छा, उस दौरान यहाँ पर मेरे नाना और मेरे नाना जी लोग यहाँ अपनी फैमिली के साथ रहते थे। अच्छा, निकाला में बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल था जिसमें मेरी मम्मी भी पढ़ी है। ठीक है ठीक है। बाद में मेरी एक सिस्टर वहाँ टीचर भी रही है उस टाइम, यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे, उनके बच्चों को यहाँ पढ़ाया था। सिर्फ उनके, ऐसे कोई नहीं था कि बाहर से कोई भी आके रह ले उनके बच्चे पढ़े, ऐसा नहीं था। ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए था। अच्छा अच्छा, तो पोस्ट ऑफिस आज भी है देख लो। हाँ, पोस्ट ऑफिस आज भी है। हाँ, बहुत बढ़िया। कुछ पेड़ इतने बड़े बड़े हो जाते हैं साइज जो है, यानी कि इतनी इनकी उम्र ज़्यादा है, 200-300 साल पुराने हो गए ऐसा। कुछ साल के पेड़ बदले भी होते हैं जो है। साल के पेड़ की जो एज नापी जाती है, एक साल में एक राउंड फिगर बनता है उसमें। अच्छा, तो उसको समथिंग कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि 85-90 समथिंग, इस तरह से टाइगर वैली वो सॉरी पेड़ पे बताया जाता है। हर साल में एक राउंड फिगर बनता है, तो बढ़ते चले जाते हैं साल में, राउंड फिगर बनते चले जाते हैं बाइक उनकी। हाँ, यानी मोटे होते रहते हैं पेड़। हाँ, मोटे होते रहते हैं, सब पता लगता है। इसकी साल की 300 साल की एज होती है। बिल्कुल, कहने वाले कहते हैं कि काफ़ी हमारे भी आया, हमारे बड़े अधिकारी ने भी बताया। हाँ जी, 100 साल खड़ा, 100 साल। हाँ, सही बात है। 300 साल की एज, 300 साल की एज काफ़ी, यानी कि मजबूत लकड़ी मानी जाती है काफ़ी। हाँ, इसको यानी कीड़ा नहीं लगता क्या है? ये इसमें कुछ कीड़ा, अगर ये गिर जाता है उस पर दीमक जब लगती है। हाँ जी, दीमक डिकम्पोज होता है, उसको दीमक बर्ड्स खाती है, बर्ड्स को भोजन मिलता है। अगर बर्ड्स को भोजन नहीं मिलेगा तो पहले फिर से बर्ड्स की गोली होती चली जाएगी। सही बात है, पूरा सर्कल चेन है, फूड चेन। और उसको उस वक्त का एक पालन में आया था यहाँ पे, वो भी काफ़ी लाइक करता है उसका दीमक। हाँ, ठीक है। वास्ती भाई, ब्यूटी देख, निकाला चमन। पांचवी सफारी, जैसे जैसे सफारियाँ कम होती जा रही हैं टेंशन बढ़ती जा रही है भाई, घर जाना पड़ेगा, यहाँ से छोड़ने का दिल ही नहीं करता किसी का। जंगल का मजा ही ऐसा सेंटर है। सांबर रोड पे जा रही है, आगे बढ़ो। ये रुके हुए नहीं है, वहाँ पे चल रहे हैं। टाइगर की मूवमेंट जो है शाम को ही होती है कि कभी भी निकल जाता है? टाइगर की मौका मूवमेंट जो अर्ली मॉर्निंग लेट इवनिंग के अच्छे चांस होते हैं, बट टाइगर का बिहेवियर के एपेटेट के बारे में कुछ कह सकते हैं, कब इस टाइम कब कहाँ हो, समर में हो या विंटर में हो। अक्सर ज़्यादातर टाइगर को पानी की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, पानी के फिर समर टाइम में कम होगा। सही है, विंटर में तो सभी जगह मूवमेंट करता रहता है। ये जगह भी मेरे हिसाब से थोड़ा टाइगर के बैठने के लिए अच्छी है, थोड़ा पेड़ वेड़ है, ठंडी जगह है ये बोलिए। अच्छा, मारवली और अच्छा अच्छा मेल भी है। ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया जगह, बहुत ही बड़ा बढ़िया सीनरी व्यू एकदम मस्त। टाइगर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपने फूड के लिए। यस, है ना। टाइगर जो है कितने कितने किलोमीटर चलना पड़ता है जो है, नाप लगा के बैठना पड़ता है, कितने बार उसका जो है मिस हो जाता है जो है उसका शिकार जो है। टाइगर जो है डियर के ऊपर 15-25 बार चेस करता है, उसमें एक ही बार कामयाब हो पाता है। क्या बात है, उसने बिग डियर को मार लिया। हाँ, तो मैक्सिमम उसको 3 दिन का रखकर खा लेता है। अच्छा, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है, एक शिकार का या तो 3 दिन का रखकर खाने की बात है, कैपेसिटी होती है 8-10 तक कर सकता है। सही है, टाइगर शिकार करने से पहले जैसे घर में आपने एक चीज़ को देखा होगा, चाकू वगैरह का वैल्यू लगाना पड़ता है घर में। सिर्फ टाइगर के सिस्टम में उसके लेंस में मांस वगैरह कुछ इस तरह का बना होता है, पेड़ों का इनोमा ठीक करता है, साफ करता है।
अच्छा उसके बाद में ये पर चार्ज सही है उसमें एक ही बार कामयाब हो पाएगा और उस एक टाइम में टाइगर बाइक की जी खाना क्या बात है 20-25 की जी वन टाइम ये अपने पहली बार आया है इस पर जगह बहुत प्यारी है बहुत बढ़िया ग्राफ है क्या एक फेक खजाने दिखा रहे हैं अपने मोबाइल में ये देखो टस्कर कैसे आ रहा है ये ग्रासलैंड ही है कार रोड ग्रासलैंड दिखा रहा है कैंपस के बिल्कुल सामने हाँ ये पेड़ वाली है वो मेल टाइगर बहुत प्यारे शॉट हैं आपके ऐसा सेम मुझे नज़ारा मिला था झरना में पर आपकी तो वीडियो बहुत क्लियर है मेरा क्या लाइट के ऑपोजिट था काला काला दिख रहा था टाइगर जो परसों आपने टाइगर देखा है वो यही टाइगर अच्छा यही था वो अच्छा अच्छा आपके पास तो खजाने हैं भाई मगरमच्छ क्रोकोडाइल ओह वाओ जो कल जो सुबह में हम कल शाम में जो दिखा अच्छा वही है पार वाली है ये भी बेटा है मेल है ग्रासलैंड वाली का अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया अभी भी वेट कर रहे हैं हम जो है थोड़ा मौसम ठंडा हो जाए डेढ़ घंटा हो गया हमारी सफारी को पेशेंस पेशेंस रखने पड़ते हैं एक बार फिर से खिननौली क्रॉस कर रहे हैं अभी कहाँ चल रहे हैं इसके बाद राम सिंह रोड है पीछे कमर पट्टा हाँ तो आपने बताया था जो हाँ सही है जिनको हाथी ने मार दिया था ना राम सिंह जी को देखिए ये राम सिंह रोड पे है अच्छा अच्छा और ये जो देख रहे हैं आप हाँ जी ये सामने ग्रासलैंड है बिल्कुल ये रोड जो था काफी आगे तक जाता था समथिंग 1.5 किलोमीटर ठीक है 2010 में जो बाढ़ आई थी हाँ जी इसमें ये खत्म हो गया अच्छा। तीन दिन लोगों ने बनाया नहीं जबकि डब्ल्यू आई ए ने ट्रैक था ये भी हाँ डब्ल्यू आई ए ने दो जेसीबी दिए कॉर्बेट को अच्छा। एक टिकाला में है एक जिंडा में है हाँ जी ये लोग इन लोगों ने बनाया नहीं चाहते तो बना सकते थे अंदर जाने के लिए रोड जो है बस यहाँ पे एक खतरा ये हो जाता है कि राइट लेफ्ट से एलिफेंट वगैरह आ जाए तो रोड ब्लॉक कर देते हैं सही है इसको राम सिंह रोड कहते हैं उसको चेक करने के लिए आए थे ठीक शांति है कुछ मूवमेंट नहीं है कोई एक्टिविटी हाँ। नहीं है सही है अभी कमरपट्टा पकड़ेंगे या आगे जाएंगे लेफ्ट रोहिणी पड़ाव एलिफेंट का वेरी बेस्ट स्पॉट है एलिफेंट बॉल मिलते हैं उसका नाम रोहिणी पड़ाव है हाँ रोहिणी पड़ाव रोहिणी के पेड़ है सारे रोहिणी के हाँ एलिफेंट का वेरी बेस्ट फूड है थोड़े भी हुए हैं काफ़ी अभी होके गए हैं कुछ भी नहीं था ना यहीं से गए थे ना अपने खिननौली के सामने बिल्कुल अभी अभी 2-5 मिनट पहले गए हैं एकदम बाहर कैसे निकलते हैं ये भी फिरोज भाई थोड़ा गैप बना के रखना क्योंकि गेस्ट हाउस सामने है पिछली बार इमरान के साथ में यहीं पर हादसा हुआ था अंदर गए बस गए मिलेंगे अभी नीचे आगे मिलेंगे खिननौली में जो VIP गेस्ट हाउस है देखिए इसके सामने ही एलिफेंट का हर्ड ये देखिए मजे हैं भाई यहाँ पे जो है वाइल्ड लाइफ के फुल मजे हैं फुल डिकाला में आपको और झूम करने के लिए रुके हैं वॉशरूम के लिए खिननौली मैंने सुबह बताया था कि यही एक जगह है जहाँ आप फ्रेश हो सकते हैं टॉयलेट वगैरह सामने ही इतना बढ़िया व्यू एलिफेंट भाई मुझे एलिफेंट बहुत पसंद है लेपर्ड बहुत पसंद है खाली टाइगर नहीं जो है और डियर भी अच्छे लगते हैं सांबर डियर मुझे सब अच्छे लगते हैं वन्य जीव जितने भी हैं सबसे मुझे प्यार है टावर खिननौली इस तरफ है वाच टावर बंद है ना कोई भी है यहाँ पे अरे वाच टावर पे मैं बोलने की सोच रहा था बीच में एक लड़का गिर गया था
ठंडी रोड के मचान से। अच्छा। हाँ, टाइगर के चक्कर में जब वो गिरा। अच्छा। तो उसके बाद में वाच टावर को बंद कर दिया गया। स्केप देखो, स्केप सर, स्केप। यहाँ देखना, एक एक किलोमीटर तक दिखता है, दूर दूर तक देखो ना। ये पेड़ वाली का फेमस है ना जगह है, उसके नाइट से ऊपर किसी को दे देने ना रूम। हाँ, तीन नाइट से ऊपर नहीं देते। इसके बाद में अगर तीन नाइट आपने कर लिए, तीन नाइट के बाद में आफ्टर 15 डेज ही आप एंट्री कर पाएंगे। अच्छा, परमिट नहीं देंगे। हाँ, अगर आपकी तीन नाइट यहाँ निकाला की है, तीन नाइट बिजरानी है, तीन नाइट जीना है, तीन नाइट खेला है, वो अलग अलग जो आ गए, तो इस तरह से आप लोग पूरा 15 दिन कर सकते हैं। अगर एक बार हम यहाँ निकाला आगे, तीन रात रुक के चले गए, तो कंटिन्यू नहीं कर सकते। 15 डेज बाद ही होगा, 15 दिन के बाद ही दोबारा परमिट ले पाएंगे। ठीक है, दूसरों को भी चांस मिलना चाहिए भाई। पहले था सिस्टम यहाँ पे, वो लोग क्या करते थे कि 8-10 दिन 15 दिन तक का परमिट लेके वो हमें यहाँ पे फोटोग्राफी करते थे। जो दूसरे लोग होते थे वो बहुत परेशान थे, लिमिटेड रूम है, लिमिटेड रूम, वो लोग नर्वस होके जाते थे। तो ये रूम सिस्टम बना दिया गया है कि आप जो है 3 नाइट स्टे कर सकते हैं, उसके बाद में 15 डेज के बाद में आप यहाँ पे फिर दोबारा आ सकते हैं। जो भी लोग दूसरों को भी दूसरों को भी चांस मिलना चाहिए। सही है, डे बाय डे अंडर रिवर कॉर्नर। अरे यार, इस टाइम ये लोग पानी पीने आए हैं, ठीक है ना, थोड़ी देर में निकल जाएंगे ऊपर जंगल की तरफ। अच्छा, रात को इधर रहेंगे आज, ऐसा है ना। थोड़ा सा हाथी कल दिखाया था, बहुत पास में आ गए हाथी गाड़ी के उनकी। जो वहाँ पर है क्या बात है, फीडिंग कर रहे हैं, बहुत कम कैप्चर होता है ना। अरे यार, ये भी रियल सीन है ना।
करा करा के कर रहा है। ब्यूटी ऑफ टिकाला ग्रासलैंड रास्ता जा रहा है कहाँ निकलेगा जो वहाँ पे डैम के पास बहुत टाइम पहले का बना हुआ ब्रिटिश टाइम से पहले। अच्छा तो बंद है अभी आगे लकड़ी रखी है ना आगे। हाँ बंद है आगे पानी के जगह। हाँ बहुत प्यारी है ऐसे एकदम ढलान बनी हुई है नीचे यहाँ से बिल्कुल नीचे जा रही है देखिए सीधा ऐसे ब्यूटी है यार फॉरेस्ट की ब्यूटी है। भाग लगा रही जी तकरीबन एक घंटे की सफारी रह गई है आज तो टाइगर उठ नहीं रहा बैठा होगा और पूरा घूम लिया बाहर भी घूम लिया यही कहूँगा कि आप लोग ये सोच के चले गए अपने कवर किए हैं अच्छे किए हैं सब बढ़िया से किए हैं एलिफेंट भी किए हैं एलिफेंट तो बहुत देखे आज हमने बहुत बढ़िया लगा जो है। देखो टिकाला आगे हम टाइगर को इग्नोर नहीं कर सकते फेमस टाइगर के लिए ही है टाइगर तो हम अगर यहाँ नहीं देखेंगे कहाँ देखेंगे चलते चलते और हमारी सवारी को भी 20 मिनट रह गए हैं कंप्लीट होने में जो है उठ जाए तो अच्छा है बढ़िया मोमेंट आ जाएगा क्योंकि ग्रासलैंड में जरूरी है एक वीडियो हमारी ग्रासलैंड में टाइगर फाइटिंग बहुत ज़रूरी थी हर तरह के मोमेंट लेके जा रहे हैं ये भी ज़रूरी है अभी उठेगा फोटो खींचने समझ नहीं आ रही यार बैठा घास में सबने अपने कैमरे एकदम तैयार रखे हुए हैं फोटोग्राफी ये देखिए हमारी तरफ ही आ रहा है वाह ब्यूटी बहुत बढ़िया भाई दिखाना में यही एक सीनरी के लिए व्लॉग मारते हैं ब्यूटीफुल भाई ये जो साइटिंग है ना बहुत जबरदस्त है थैंक यू गॉड नहीं भाई बहुत अच्छा आइडिया लगाया था आपने सब डियर भाग गए हैं उस तरफ भाग गए हैं सामने उस तरफ को सब डियर भाग गए हैं इसकी स्मेल से बहुत बिग साइज है भाई जंगल का राजा है भाई
निकाला। ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया एक्साइटिंग, बहुत कम होती है जो इतने टाइम टाइगर चलता रहे सामने। निकालने में तो ऐसा है खाली एक बार टाइगर के दर्शन हो जाए वही बहुत लोग खुश हो जाते हैं। तभी मैंने बोला इस बार में यहाँ से बहुत अच्छी मोमेंट आई। और टाइगर घूम गया यार, तो घूम गया, तो घूम गया पीछे की तरफ, आएगा आएगा इधर ही आएगा। ग्रास बहुत बड़ी थी, अभी एकदम शांति से भाई ये है देखो ग्रास लैंड निकाला। बीस मिनट रह गए लास्ट, 20 मिनट पूरी, 15 मिनट वीडियो बनेगी, 5 मिनट बिल्कुल पास नहीं है टिकाला कैंपस। बिग मेल साइटिंग टिकाला ग्रासलैंड, इधर ही बैठेगा, इधर ही बैठेगा, आ गया मेरी तरफ ही आ गया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, थोड़ा धूप में आ जाए तो। थैंक यू, इनकी वीडियो बनाओ यार। नहीं भाई यार ये क्या बात है, आपने उनका फोन छोड़ के अपनी वीडियो बना रहे हो? कभी देखो तो, बैठ गया बैठ गया, उनका फोन छोड़ के अपनी वीडियो बना रहे हो? बैठ गया क्या, तो ना कि तुम्हें नहीं बनानी, बैठ गया फिर उसमें तो दो हाथ से बना वो फोन उन्होंने साइड में लिया यार। चलो भाई पेट भर गया है, लग नहीं 15 मिनट रह गए, बहुत तगड़ा माल था। पीछे गिर बैठे हैं सब परेशान हो गए इसके एंट्री से। ये देखने तो आए थे हम, ये देखने आए थे भाई। टाइगर अपनी मर्जी से ही अपना मूवमेंट देगा, बहुत दूर। बहुत बढ़िया हुआ यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हो गया। अभी क्या टाइम बहुत कम है, अभी 10 मिनट रह गए, बाय बाय। 10 मिनट अंदर पहुंचना है सही में, रूल रेगुलेशन तो फॉलो करने हैं। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन, जिंदगी की एक्सट्रीम साइडिंग हुई है जो है। भाई नहीं भाई क्या आइडिया लगाया आपने, क्या आइडिया भी कर मैंने भी बताया था, आपने आइडिया दिया था पापा को बोला है ना सही में, बहुत डायरेक्ट क्या सही है। टाइगर मिले मेरे को भी आ रहे हैं, इनको पता भी नहीं है टाइगर हर चीज की मूवमेंट देखी आज जो है, अच्छे से एलिमेंट देखे हैं, देखे हैं सब, हर चीज देखा हमने, फॉरेस्ट की ब्यूटी देखी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी सामने। हो गया अच्छी बात है, बैक टू टिकाला कैंपस। हो
तो बहुत पेशेंस रखने पड़ते हैं, बहुत वेट करनी पड़ती है, ढूंढना पड़ता है टाइगर कहाँ है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि कईयों को तो एकदम घूमते मिल जाता है रोड पे, पर कईयों को बहुत ढूंढना पड़ता है, कोई गारंटी नहीं है। ये भैया बता रहे हैं 11 तारीख से लेके 17 से 20 तक कोई टाइगर साइटिंग ही नहीं हुई। फिरोज भाई बोले मैंने 17 सफारी करी है, एक टाइगर नहीं देखा, सिंगल टाइगर। भाई गारंटी नहीं होती जो है जंगल में भी, जो है गारंटी आपको कोई भी नहीं दे सकता जो है टाइगर की। पर आज जो साइटिंग हुई है बस उससे दिल हमारा बहुत खुश हुआ है। आज जो साइटिंग है वो था मेल टाइगर, ग्रासलैंड वाला, इसको हम बोलते हैं कार रोड मेल, बिकॉज ये उस पर बहुत बढ़िया साइटिंग देते हैं। इसी का मेरे को हेड ऑन में मिला था लगभग आप लगा लो पूरे सफारी में हमने पूरा टाइम दिया है, हमने हाथी की भी स्पॉटिंग करी है, पार भी कवर करा है, हमने ग्रासलैंड भी स्कैन करा था। 25 मिनट लास्ट 25 मिनट्स में जो मूवमेंट मिला ना, जो है लास्ट 25 मिनट्स में हमें मूवमेंट मिला और 15 मिनट में हमें आई गेस बेस्ट साइटिंग हमें हुई है, बिल्कुल हमारी तरफ हेड ऑन चलता हुआ। चलिए वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।